मार्केटिंग के लिए, क्योंकि मार्केटिंग की व्यवस्था में मैंने कहा कि आप लोग उगाते हैं। अभी मेरे पास क्योंकि काफ़ी लोग इधर से जाते हैं, वो कहते हैं कि पाइनएप्पल इतना है या जिंजर इतना है, कितना बेहतरीन हल्दी है। अभी भी जब साउथ हल्दी की बात आती है, पूरा देश जो हल्दी खाता है, जो हम लोग यूज़ करते हैं भोजन में, सब साउथ इंडिया की हल्दी होती है। क्षमा करिएगा, इधर नॉर्थ ईस्ट की कोई हल्दी जो है ना प्रोसेस होकर के नहीं आती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रोसेसिंग सिस्टम हम इतना डेवलप नहीं कर पाए हैं, यदि हम डेवलप करते हैं तो। और यहाँ की हल्दी का जो कर्कुमिन लेवल है वो नॉर्मल हल्दी के अंदर 3% लगभग है, आपके यहाँ 7% तक है। कितनी बेहतरीन है, यानी उसकी जो मेडिसिनल वैल्यू है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, वो बहुत ज़्यादा एक्सेस है। तो हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं। समस्या ये हो जाती है कि प्रोसेसिंग यूनिट लगाने पर बहुत चाहिए। एक किसान के पास यदि एक क्विंटल, दो चार क्विंटल कोई भी सामान होता है तो उसके लिए वो बहुत भारी हो जाता है। जब मार्केट नहीं होता है तो उसकी पूंजी जीवन भर की कमाई होती है, परंतु यदि हम एक प्रोसेसिंग यूनिट लगाते हैं तो हमको टनों चाहिए। तो इसके लिए हमको क्लस्टर कल्टिवेशन के लिए, ग्रुप कल्टीवेशन के लिए ये सब प्लानिंग भी करनी होगी। हालांकि मेरे को खुशी है कि आप यहाँ से बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और इस तरह की सब तैयार किया गया है। भाई शैलेंद्र जी, उनकी पूरी टीम यहाँ पर काम कर रही है। तो आप लोग काम करते हैं और आप मेरे को वादा करते हैं कि नहीं, हम एक क्रॉप को हम इतने क्वान्टिटी में, मिनिमम क्वान्टिटी में हम आपको दे सकते हैं, तो प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम पहले आपको घोषित कर देंगे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, मैंने अभी उत्तराखंड में भी उस कार्य को किया है, हम लोग दूसरे स्टेट के साथ भी काम कर रहे हैं। वो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी क्रॉप है, यदि मान लीजिए कि हाँ जिंजर है, जिंजर का हमने कहा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये है, मैंने कहा कि चलो आपका मैं 10 रुपये केजी लेता हूँ, तो आपको 11 मिलता है, तो आप कहीं भी सेल कर सकते हो। उसमें आप हमसे बॉन्ड नहीं होते, पर आपको ये चीज़ के लिए आपको इंश्योर हो जाता है कि मिनिमम इतना तो मेरे को मिलेगा ही मिलेगा, वो होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। उसके लिए भी हम तैयार हैं और हमारा यही प्रयास है। यहाँ पर हम लोग अभी बोडोलैंड के क्षेत्र में कई सारे काम कर रहे हैं। अभी एक काम यहाँ करने की जो था, अभी मैंने राम भैया जी से कहा, उन्होंने मेरे को इस विषय में आश्वासन दिया, मैं आश्वस्त हूँ कि यहाँ पर सीड बैंक, हमारा जीन बैंक बहन आपके लिए भी है, इस चीज़ में आपको हेल्प करना चाहिए। क्योंकि यहाँ के जितने भी बीज की वैरायटीज़ हैं, हमारे पास सीड बैंक यहाँ पर बेहतर नहीं है, पूरे नॉर्थ ईस्ट में नहीं है। एक बड़ा सीड बैंक बने, उसके अंदर जितने भी हमारी जो वैरायटीज़ हैं ख़त्म होने की तरफ जा रही हैं, उनको प्रिजर्व करना पड़ेगा। उनमें से जो अच्छी ईल्ड वाली वैरायटीज़ हैं उनको हमको प्रमोट करना होगा। देखो एक बात ध्यान रखना, मैं बड़ा दर्द के साथ इस बात को कहना चाहता हूँ, हमारे हित के लिए हम लोगों को सोचना होगा। कोई सात समुंदर पार से कोई आकर के हमारे लिए कभी कोई हित सोचने वाला नहीं है। लोग कहते हैं कि हम एमएनसीज के विरोधी क्यों हैं, क्योंकि एमएनसीज के लिए पहली बात यह होती है उनके लिए देश मार्केट है, उसको समझना चाहिए। उनके लिए मार्केट क्यों है, क्योंकि उनको प्रॉफिट होएगा तो कोई भी यूनिट लगेगा, लॉस होगा तो कोई तो बिजनेस नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। पर हमारे लिए मार्केट नहीं है, हमारे लिए यह देश हमारा परिवार है, हमारी फैमिली है, बस इतना ही फर्क है। आपकी पीड़ा हमारी पीड़ा है, आपका दर्द हमारा दर्द है, और आपके लिए हम क्या कर सकते हैं। हम कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि हमको क्या मिलेगा, हमको क्या मिलेगा ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए महत्वपूर्ण यह है कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। इस भाव से पतंजलि योगपीठ काम करने के लिए तैयार है। आप लोगों की शुभकामनाएं भी है, तो कई स्कूल्स भी हम चला रहे हैं। अब गायों के लिए, यहाँ तक अभी जितने भी यहाँ पर काऊ की जो अभी तक भी ब्रीड आइडेंटिफाई नहीं है कि कौन कौन से ब्रीड यहाँ पर हैं, करीबन हिंदुस्तान के अंदर अभी लगभग 40 ब्रीड हैं जो अभी आइडेंटिफाई नहीं, जिनको अभी पता ही नहीं चला, बहुत सारी ब्रीड हैं। उसके ऊपर अभी काम हो सकता है, अलग अलग क्रॉप्स के ऊपर काम हो सकता है। मेडिसिन प्लांट्स के लिए जैसे मैंने कहा कि जो इथनोबॉटनी है, इसके ऊपर अभी हमारी एक योजना है, अभी आप लोगों का सहयोग रहेगा तो हम एक योजना बना रहे हैं कि इथनोबॉटनी से जुड़े हुए जितने भी अलग अलग स्टेट्स के जो लोग हैं जिन्होंने काम किया है, अभी हम उनको इकट्ठा कर रहे हैं, उनको बुला करके बैठा करके कि कितने ऐसे लोग हैं जो ट्रेडिशनली जो अलग अलग डिजीज के लिए काम करते हैं, इस तरह के सारे लोगों को जोड़ करके एक एक प्लांट्स के ऊपर। देखिए एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की बात की जाती है, बोले एलोपैथी क्या है, बोला एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है, आयुर्वेद क्या है, बोला अभी तक एविडेंसेज नहीं है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो ट्रेडिशनली जो पीढ़ियां दर पीढ़ियों से कई कई पीढ़ी से चिकित्सा कर रहे हैं, यदि हम उन सब लोगों को इकट्ठा करके हम देखें कि किस डिजीज में क्या यूज करता है, तो कई जगह पर आपको एक डिजीज के लिए कई सारे अलग अलग प्लांट्स यूज करने वाले लोग मिलेंगे। इसी तरह से कई जगह पर ऐसे लोग हमको मिलेंगे जो अलग अलग प्लांट्स को एक रोग के लिए यूज कर रहे होंगे।
तो इस दो तरह से यदि हम रिसर्च करते हैं तो हमको बहुत सारे प्लांट्स के ऊपर ऑथेंटिक हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए, रिवर्स फार्माकोलॉजी के लिए हमको पूरा उससे हेल्प मिलेगा। रिवर्स फार्मेसी के हिसाब से हम उस तरह से काम करने वाले हैं, और ये काम यहाँ बड़े स्तर पर होगा। हम गांव-गांव जाएंगे, जिले-जिले में जाएंगे, प्लांट्स डॉक्यूमेंटेशन के लिए, क्रॉप्स डॉक्यूमेंटेशन के लिए, उसका यील्ड मैपिंग के लिए और जड़ी बूटियों के लिए, और जो आप उगाएंगे उसको मार्केट के लिए, आपके एजुकेशन के लिए, योग और आयुर्वेद को खड़ा करने के लिए जो भी हो सकेगा हम ज़रूर करेंगे। तो अच्छा लगा आप सब से मिल करके, और हम सब मिल करके नॉर्थ ईस्ट के लिए, इधर के लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकें, भगवान से यही प्रार्थना। और आप सबको बहुत बहुत मेरा धन्यवाद, प्रणाम, और माननीय गवर्नर साहब को बहुत बहुत प्रणाम। ओम। अब मैं बड़ी विनम्र विनती करता हूं हमारे माननीय राज्यपाल जी से कि कृपया आए और हमको संबोधित करें, हमको आशीर्वाद दें और हमको प्रेरणा दें। आज यहां पूर्वोत्तर क्षेत्र के सामुदायिक संसाधन प्रबंधन परियोजना द्वारा आयोजित कार्यक्रम सीखना और साझा कार्यालय में उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा नमस्कार। आचार्य बालकृष्ण जी, जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सी के दास जी, आईएएस सेवानिवृत्त सदस्य श्री राम मुईवा, आईएएस सचिव पूर्वोत्तर परिषद और सामुदायिक संसाधन प्रबंधन परियोजना के अध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी जी, पूर्वोत्तर क्षेत्र समुदाय संसाधन प्रबंधन परियोजना के प्रबंध निदेशक और मंच पर बैठे हुए अन्य पदाधिकारीगण और यहाँ सभी उपस्थित इस कार्यक्रम में लगे हुए सभी भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पदाधिकारीगण और उपस्थित बंधुओं एवं देवियों, मुझे आज आप लोगों के बीच में आकर के और इस कार्यक्रम में आके मुझे काफ़ी प्रसन्नता हो रही है। और आप लोगों ने हमें यहाँ पर जो बुलाया, इसके लिए मैं आप सबों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह कार्यशाला पूर्वोत्तर क्षेत्र में नवीन विचारों से आदान प्रदान के लिए क्षेत्रीय सहयोग और नेटवर्किंग की सुविधा प्रदान करेगी। उत्तर पूर्व क्षेत्र सामुदायिक संसाधन प्रबंधन परियोजनाएँ भारत सरकार की अग्रणी आजीविका परियोजना में से एक है, जिसका उद्देश्य व्यापक रूप से कमजोर वर्गों की आजीविका में सुधार करने हेतु उनके संसाधन आधार के बेहतर प्रबंधन के द्वारा अस्थायी रूप से बेहतर तरीके से सुधार करना, पर्यावरण संरक्षण और पूर्वावस्था की प्राप्ति के लिए योगदान देते हैं, तथा सन 1999 से कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय निधि के समर्थन के साथ तृतीय भारत के साथ तृतीय चरण और चौथे चरण में परियोजना के दो चरण में सफलतापूर्वक पूरा कर रहा है। मैं कहना चाहूँगा कि एक उत्तर पूर्व क्षेत्र समुदाय संसाधन प्रबंधन परियोजना ने महिलाओं के सशक्तिकरण को मजबूती प्रदान किया। महिलाओं के बढ़ती संख्या में ग्रामीण विकास पर योजना बनाने और निर्णय लेने की बेहतर महिला भागीदारी का माहौल तैयार किया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना और नगद भुगतान प्रणाली की तर्क में बैंक खाता में को खोलने के साथ वित्तीय संरक्षा प्रदान की गई। स्वच्छ भारत अभियान में कम लागत वाली शौचालय एवं सुरक्षित पेयजल के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य और स्वच्छता, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम की पंक्ति में के विभिन्न आजीविका गतिविधियों के माध्यम से भोजन और पेय सुविधा कार्य संपादित हो रहा है। ग्रामीण समुदाय को विशेष रूप से उत्तर पूर्व के पिछड़े क्षेत्रों में अस्थायी आजीविका प्रदान करने सदैव भारत सरकार की प्राथमिकता रही है, और हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास हेतु बहुत प्रयत्नशील हैं। हम सभी जानते हैं कि ग्रामीण समुदाय जो प्राकृतिक के साथ बहुत घनिष्ठता है, उसके लिए प्राकृतिक उनके अन्नदाता है। इसलिए योजनाओं को लागू करते समय प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए इस विकास गतिविधियों की सह संबंधित करना महत्वपूर्ण है।
क्योंकि इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ की जो प्राकृतिक संपदा है उसमें वो नष्ट न हो। इस कार्यशाला का उद्देश्य बहुत प्रासंगिक और उल्लेखनीय है। देर से ही सही विभिन्न विकासशील एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित विभिन्न आजीविका और ग्रामीण विकास परियोजनाएं जारी है और इस राज्य सरकार ने देश की को एकजुट किया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की तरह से इस केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया है। इन कार्यक्रमों और परियोजनाओं में से प्रत्येक का केंद्र बिंदु समुदाय विशेष रूप से युवा और महिलाओं के लिए स्थायी आजीविका के अवसर प्रदान करना और उसकी गतिविधियों को मुख्य धारा के साथ जोड़ना है। मुझे विश्वास है इस कार्यक्रम और परियोजनाओं के परिपालन के दौरान बहुत कुछ सीखने और अनुभव करने की बात है जो एकत्र किए गए दस्तावेज में चर्चा भी किए गए हैं। मुझे लगता है कि आप लोग के लिए एक दूसरे के साथ चर्चा साझा करने और सीखने के में एक दूसरे के साथ नेटवर्क के और एक साथ काम करने के लिए पूरे क्षेत्र में कई ग्रामीण समुदाय में अंतर लाने हेतु एक अच्छा अवसर है। जैसा कि प्रख्यात धर्म गुरु माननीय दलाई लामा जी ने ठीक ही कहा है, अपना ज्ञान साझा करें। मुझे प्रतीत होता है कि कार्यशाला के इन दो दिन में के दौरान आप में से जो हर एक को लाभ मिलेगा वो लाभ कई लोगों को पहुंचाएंगे। आज आप लोगों के बीच में देखिए आचार्य बालकृष्ण जी ने कई बातों का उल्लेख किया और उन्हें बताया कि यह जो मेघालय क्षेत्र है हर तरह से कई दृष्टिकोण से संपन्न है और यहाँ पर अब इस बात का ऐसा कौन सा मैंने कार्य किया जाए जिससे कि अधिक लाभ हो और गांव के लोगों को मैंने उससे अधिक मैंने लाभ मिल सके। तो इसके लिए भी आज यहाँ पर आप सभी बैठे हुए हैं, सभी बुद्धिजीवी वर्ग हैं, सबका दायित्व तो बनता है कि ऐसा हम कार्य करें जिससे कि इस क्षेत्र का विकास हो और इस क्षेत्र का जो प्राकृतिक संपदा है वो बना रहे। और कई ऐसी चीज़ें अभी आचार्य बालकृष्ण जी ने जिन बातों का कि कई जड़ी बूटी वगैरह कई चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर आसानी से उसका उपजाया जा सकता है और उसका लाभ आम लोगों तक पहुँच सकता है कम खर्च में। अब उसके लिए है कि आप सभी लोग यहाँ से कुछ इस प्रकार योजनाएँ बना के जाएँ। अभी कई चीज़ों का यहाँ पर प्रेजेंटेशन किया गया, कई चीज़ दस्तावेज भी यहाँ से प्रस्तुत किया गया, ये सब आया और कई लोगों ने कई प्रकार की योजनाओं पर हस्ताक्षर भी किए हैं तीन से योजनाओं को बढ़ाते हुए। और इस बात को हमेशा हमें ध्यान रखना है कि हमें भी, क्योंकि ये क्षेत्र जो आपका मेघालय क्षेत्र है बड़ा ही भोले भाले लोग यहाँ पर हैं, लेकिन उनको ठेर ढंग से प्रशिक्षित करते हुए उन्हें आगे बढ़ाएंगे यह आप लोगों पर बड़ा भाई दायित्व तो बनता है। कहा गया है तन से सेवा कर ले मन से भले विचार, धन से इस संसार में कर ले पर उपकार। क्योंकि इन सही बातों को इस प्रकार के हमें ध्यान रखते हुए कार्य करना है। और यहाँ पर आप जो सभी आप सभी लोग आए हुए हैं आप समों से कहते हैं लंबी है राहें बढ़ते जाना, लंबी है राहें बढ़ते जाना, देख मुसाफिर थक मत जाना, यदि कुछ मिल जाए तो मत उतराना, यदि कुछ मिल जाए तो मन इतराना, लक्ष्य बड़ा है लंबा, लक्ष्य बड़ा है सफ़र है लंबा, बाधाओं के पार उतर कर धैर्य से आगे बढ़ते जाना, आगे बढ़ते जाना। यह आप लोगों का है कि कैसे आगे बढ़ते हुए और कैसे देश को आगे बढ़ाएं, क्योंकि आप लोगों पर बहुत कुछ निर्भर करता है यह देश कैसे आगे बढ़े। इसलिए आप सभी लोग आज इस कार्यशाला में जो उपस्थित हुए हैं जिसका मुख्य उद्देश्य है कि गाँवों के लोगों को लाभ पहुँचाना और गाँव में हर प्रकार का इस प्रकार का कार्य करना जो गांव हमारा विकास करे, गांव हमारा संपन्न हो, गांव सुखी हो, इसके लिए आप सभी लोग बैठे हुए हैं। इसलिए आप समों से आग्रह करते हैं कि आज यहां से संकल्प लेके जाएं और इससे समों को लाभ पहुंचाने का कार्य करें। अंत में कहना चाहता हूं जिंदगी एक अभिलाषा है, जिंदगी एक अभिलाषा है, अपने आप में परिभाषा है, संभल गया तो जिंदगी नहीं तो एक तमाशा है। इसलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए और आज यहाँ पर जो आप सभी उपस्थित हुए हैं यहाँ से कुछ लेकर जाएं और आम जनता को इसके लाभ पहुँचाएँ। और यहाँ पर आपको आप लोग के बीच में जो आचार्य बालकृष्ण जी आए हैं इन्होंने कहा है कि मैं यहाँ पर समय दे करके और यहाँ के क्षेत्र के विकास के लिए हर प्रकार का कार्य करूँगा ताकि यहाँ पर हर प्रकार का औषधि का ऐसा यह भूमि है जहाँ की हर प्रकार के औषधि प्राप्त किया जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप समों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए
और यह कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग मिलजुल के काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय मेघालय, धन्यवाद। May I now request Sri Rishikesh Singh Ji, the Director Admin of NARCOM, to please come forward and deliver his word of thanks to the House. First of all, I thank God for enabling us to have this wonderful function, giving us good weather and keeping us all safe, bringing us all safely to Shillong. We thank His Excellency Sri Ganga Prasad Ji for consenting to grace this function. We thank you, sir. We would like to have you again in another function like this. And our heartfelt thanks go to Acharya Ji for consenting to be with us to grace this function as grace of honor. We were pleasantly enlightened with the insights that you brought to this function. We would like to go through your book and understand it better for the benefit of the community. We thank IFAT, represented by Rasha, Ms. Rasha here. We thank IFAT for 2 decades of partnership and having been the guiding light for the last 2 decades, and we look forward to further partnership with you. We thank our friends from media. Without you, we will not be able to communicate what we have here to the communities and to stakeholders outside this venue. We thank the participants who have come from all over the country and from other parts of the country. We thank you all for being with us today. We thank our team. We thank the police. We thank this venue. We thank everyone for enabling us to make this function a success. Last of all, but not the least, we also now like to thank our new partners. There are GIZ, IFAT, Manipur University, and IIT Bombay. We believe that we would be able to go forward with sole intention to serve the community. We thank you all, and have a pleasant stay with us, and have a wonderful deliberation in the next 2 days. Thank you all. Let us all stand up for the national anthem.